मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद इंदौर शहर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसी को लेकर शनिवार को कृषि मंत्री कंवल पटेल ने ग्राम मोरद क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि का दौरा किया। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इंदौर शहर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने की घोषणा की थी, जिसको लेकर अब कवायदें तेज होती दिखाई दे रही है। शनिवार को कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रशासनिक मंडी अधिकारियों और अनाज व्यापारियों के साथ ग्राम मोरद क्षेत्र का दौरा कर प्रस्तावित जमीन को देखा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के अंदर छावनी अनाज मंडी होने से कई समस्याएं सामने आ रही है, जिसमें ट्रैफिक की समस्या महत्वपूर्ण है। जो जमीन देखी गई है वह बाईपास से लगी हुई है, वहां दोनों तरफ रास्ते हैं। करीब 400 एकड़ जमीन पर देश की मॉडल मंडी बनाने को लेकर विचार किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में किसानों को काफी राहत मिलेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। बाइट व्यूथ्री छावनी अनाज मंडी के विस्तारीकरण हेतु जमीन के निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव नरेश परमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंडी जो शहर के अंदर है, जगह भी कम पड़ती है, किसानों को आने में भी दिक्कत जाती है, ट्रैफिक समस्या भी रहती है, और इसलिए ये बाईपास से लगी हुई है और दोनों तरफ से रोड हो जाएंगे और ये जगह भी 400 एकड़ के आसपास है और ये जगह मंडी को अगर मिलती है तो यहाँ एक ऐसी मंडी बनेगी जो देश की एक मॉडल मंडी होगी और पूरे इंदौर सहित पूरे मालवा को और आसपास के जिलों को, संभाग को भी, जो किसान इंदौर आते हैं मंडी में माल बेच, उनको भी सुविधा रहेगी, व्यापारियों को भी रहेगी, मजदूरों को भी रहेगी और आम किसानों के हित का मामला और भविष्य को देखते हुए इसका विस्तार बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमने आके ये जगह देखी है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इस स्थान को अगर वो सहमत होंगे तो मंडी बोर्ड इसको लेगा और फिर अच्छी मंडी बनाएगा जो देश की एक मॉडल मंडी होगी। सर कितने हेक्टर में है सर ये जो जगह आपने देखी है? 143 हेक्टर शासकीय भूमि है, राजस्व रिकॉर्ड में है। पूरी जमीन पे फॉरेस्ट की एक संस्था थी उसको दी थी तो वो कलेक्टर ने केस चलाया था, राजस्व विभाग के उसमें निर्णय ले गया है। सर छावनी मंडी और अन्य मंडियों को भी यहाँ पे है, किसी छावनी मंडी को लेकर अभी सर तैयारी? नहीं नहीं, संपूर्ण मंडी छावनी, देखो जो शहर के अंदर है उसके लिए फिर हम दूसरा कुछ करेंगे उसका उपयोग, और सब्जी मंडियाँ तो रहेगी, लेकिन अनाज मंडी जो है बड़ी यहाँ लाएंगे।